खातेगांव विधानसभा में समर्थन मूल्य पर गेहूं व चने की खरीदी शुरू हो चुकी है। सीतारतम में गेहूं व चना उपार्जन केंद्र पिपलिया नानकार के श्री द्वारकाधीश व केदारेश्वर वेयर हाउस पर विधायक आशीष शर्मा ने तुलाई केंद्र पर विधिवत पूजन अर्चन कर शुभारंभ किया। सर्वप्रथम अपनी उपज लेकर आए किसान श्री भारत सिंह पटेल बुराड़ा, बलराम मीना पिपलिया, भीम सिंह तोमर पिपलिया आदि किसानों का साफा बांधकर विधायक शर्मा ने स्वागत किया। इसके बाद किसानों की ट्रॉली फ्लैट कांटे पर तुलाई कर कांटे का विधिवत पूजन कर शुभारंभ किया गया। विधायक आशीष शर्मा किसानों को संबोधित करते हुए बोले, अन्नदाता का सम्मान करके आज खरीदी केंद्र पर किसानों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा फ्लैट कांटे से तुलाई का कार्य प्रारंभ किया गया है। खातेगांव विधानसभा में 41 खरीदी केंद्र है, जिनमें 29 केंद्रों पर गेहूं की खरीदी और 13 केंद्रों पर चने की खरीदी की जाएगी। सरकार के मंशानुसार किसानों का गेहूं और चना समर्थन मूल्य पर लिया जाएगा। इस अवसर पर नवागत अनुविभागीय अधिकारी प्रवीण प्रजापति ने अधीनस्थ अमले को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि समर्थन मूल्य केंद्रों पर शासन के मंशानुसार किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक तैयारियां पूर्ण करके सुविधा उपलब्ध कराएं, किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। शासन की मंशानुसार प्रत्येक केंद्र पर तैनात शासकीय सेवक अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के खातेगांव तहसील में 29 केंद्रों पर गेहूं उपार्जन, 13 केंद्रों पर चना उपार्जन, 1 केंद्र पर सरसों उपार्जन के काम को विधिवत प्रारंभ किया गया है। किसानों को अपनी उपज का ठीक भाव मिले, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार विभिन्न खाद्यान्नों की उपज किसान भाइयों से प्राप्त कर रही है। हमने वेयरहाउसों पर फ्लैट कांटे से तुलाई हो ये सुनिश्चित किया है, और किसान भाइयों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि फ्लैट कांटे से ही गेहूं और चने का उपार्जन इस बार उनका किया जाएगा। किसानों को उपज का ठीक भाव मिले, समय पर उनका तोल हो जाए और असुविधा से बचें, इसके लिए वेयरहाउसों पर पीने के पानी की, साफ सफाई, रुकने करने की सब व्यवस्था हम लोगों ने वेयरहाउस संचालकों से और विभाग से कहा है कि अच्छे से होना चाहिए ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। साथियों, साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। 18% से 0% ब्याज पर आज उनको ऋण मिल रहा है। 10,000 रुपये किसान सम्मान निधि सरकार को मिल रही है। समय पर उनको बिजली मिल रही है, फ्लैट रेट पर भुगतान की सुविधा है। और अभी मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ओला पाला के कारण जो फसलें खराब हुई हैं, उनके नुकसान की भरपाई भी मध्य प्रदेश की सरकार मुआवजा और बीमा दिलाकर करेगी। ये सरकार किसान हितैषी है, इसलिए किसानों के हितों में नियमों का सरलीकरण करके सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।